इन सारे एलजेब्रिक फार्मूला हम देखेंगे। जैसे हम इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कहीं कहीं टू ए बी यहाँ लिखा है तो इससे कोई मतलब नहीं है। और सेम इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, बस ये निगेटिव हो जाता है। अब इसका लिखेंगे ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और सेम हम इसका ऐसे देखेंगे। इसको कैसे लाएंगे ये हम इससे पता कर सकते हैं, चाहे इससे पता कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो जब प्लस लेंगे ये आएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस टू ए बी, अच्छा यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस टू ए बी। चेन। और इसका चारों हम एक साथ देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन तब हम इसके आसान भाषा में देखेंगे। इसका ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस थ्री ए बी, और ब्रैकेट में ये सेम हो जाएगा ए प्लस बी। और इसमें देखिए जब यहाँ माइनस रहेगा ना, जब ये यहाँ पूरा पावर थ्री रहे, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ जब माइनस रहे तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ तहाँ माइनस कर देंगे। ए स्क्वायर क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी।